नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इधर आप देख सकते हैं मेरे डिस्क कैलिपर का क्या हाल हो गया हो, तो इसको अभी मैं रिपेंट करूंगा और कंप्लीट कलर चेंज इसका करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर मैंने निकाल दिया है मेरा डिस्क कैलिपर, बाइक से अलग कर दिया है और अब मैं इसको पूरा डिसमेंटल करूँगा। तो अभी ये सब पार्ट्स जो मैं निकाल रहा हूँ, वैसे आपको सब पार्ट्स निकालने हैं और पूरा ये डिस्क कैलिपर डिसमेंटल करना है। तो सब पार्ट्स डिसमेंटल करके मेरे इधर हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर पेंट रिमूवर लगाऊंगा और जो सारा जो पेंट इसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा निकाल दूंगा। तो पेंट रिमूवर मेरा इधर लगा के हो गया है और इधर आप देख सकते हैं इसका पेंट अभी कैसे बाहर निकल रहा है वो। तो इसको अभी मैं ऐसे देखिए स्क्रू ड्राइवर लेके कैसे आराम से ये पेंट अभी बाहर निकल रहा है वो। तो इसका मैं अभी पूरा पेंट घिस के निकाल दूंगा। तो पेंट निकाल के मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन वाले साबुन से अच्छी तरह से धोऊंगा, क्योंकि ये पूरा पेंट रिमूवर आपको अच्छी तरह से निकालना है। नहीं तो जब आप फ्रेश पेंट मारोगे और अगर आपका पेंट रिमूवर उसके ऊपर रहेगा तो वो भी पेंट आपका निकल सकता है। तो अच्छी तरह से इसको एक बर्तन धोने वाले साबुन से धोइए। तो इसको अच्छी तरह से धो के मेरा हो गया है। अब मैं इसको रिंस करूँगा फ्रेश पानी से। तो इधर आप देख सकते हैं अभी कितना क्लीन हो गया है, इसके ऊपर से सब पेंट निकल चुका है। थोड़ा भी रहेगा तो अब मैं इसको सैंडिंग करूँगा, तो सैंडिंग करने से सब कुछ निकल जाएगा। तो चलिए अभी इसको सैंडिंग करते हैं। तो पहले मैं लूँगा एक 150 ग्रिट सैंड पेपर और इस पूरे ब्रेक कैलिपर को अच्छी तरह से सैंडिंग करूँगा। तो 150 ग्रिट सैंड पेपर लेके मेरा सैंडिंग करके हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगा 180 ग्रिट सैंड पेपर और इसको फिर से सैंडिंग करूँगा। इससे क्या होगा कि सब स्क्रैचेस जो 150 ग्रिट सैंड पेपर ने बनाए थे वो स्मूथ हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। तो 180 ग्रिट सैंड पेपर से सैंडिंग करके मेरा हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगा 220 ग्रिट सैंड पेपर और इसको अच्छी तरह से सैंडिंग करूँगा। इससे क्या होगा कि जो स्क्रैचेस 180 ग्रिट सैंड पेपर ने किए हैं वो सब गायब हो जाएंगे और सरफेस रेडी हो जाएगा प्राइमर लगाने को। तो सब सैंड पेपर्स लेके मेरा सैंडिंग करके हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से आपको पानी में रिंस करना है और इधर आप देख सकते हैं एक कैसा कितना अच्छा अभी दिख रहा है, वो पूरा क्लीन हो गया है, सब पेंट इसके ऊपर से निकल गया है। तो अब मैं इसको सूखने को टाइम दूंगा। तो ब्रेक कैलिपर मेरा सूख गया है। अब मैं जिधर भी मेरा पेंट नहीं लगना चाहता हूँ उधर अच्छी तरह से मास्किंग करूँगा। जो बोल्ट डालने के होल्स है या ये रॉड है, इस सब प्लेसेस पे मैं अच्छी तरह से मास्किंग करूँगा। तो इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से मैंने इसको मास्किंग किया है। जो रॉड से और वो बोल्ट डालने का होल है वो सब मैंने मास्किंग करके बंद कर दिया है। तो ऐसे आपको अच्छी तरह से मास्किंग करना है। अब मैं एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके इसको अच्छी तरह से वाइप करूँगा, ताकि इसके ऊपर जो भी ग्रीस या वैक्स या कुछ भी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और सरफेस रेडी हो जाएगा प्राइमर मारने को। तो वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके वाइप करके मेरे इधर हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर मारूंगा हाई हीट प्राइमर। अगर आपको हाई हीट प्राइमर चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर ये नॉर्मल प्राइमर मारेंगे तो जब आप ब्रेक लगाते हो तब ये बहुत गर्म होता है, वो टाइम पे आपका सब पेंट और प्राइमर निकल सकता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर ये हाई हीट प्राइमर पहले मारना पड़ता है। तो एक कोट मार के मेरा हो गया है। अब मैंने इसको 10 मिनट दिए है सूखने को और अब मैं मार रहा हूँ मेरा दूसरा कोट प्राइमर का। प्राइमर मारने के बाद मैंने इसको दिया है पूरा एक दिन सूखने को और इधर आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा लुक आ गया है प्राइमर मारने के बाद। तो अब मैं एक 400 ग्रिट सैंड पेपर लेके इसको अच्छी तरह से सैंडिंग करूँगा।
तो सैंडिंग करने के बाद आपको थोड़ा रिंस करना है, और बाद में इधर मैं अभी एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके इसको अच्छी तरह से वाइप करूँगा ताकि इसके ऊपर जो भी ग्रीस या वैक्स है तो वो निकल जानी चाहिए। और एक कैलिपर अभी रेडी है बेस कोट लगाने को। तो अभी मैं मेरा बेस कोट मारने को चालू कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपको लगाना है हाई हीट का बेस कोट, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल पेंट लगाओगे तो आपका गर्म होके बाहर निकल सकता है। अगर आपको ब्लू कलर मिलेगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन रेड कलर मिल रहा है ऑनलाइन, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो एक कोट मेरा मार के इधर हो गया है, अब मैं इसको सूखने को 10 मिनट दूंगा और उसके ऊपर दूसरा कोट मारूंगा। तो 10 मिनट मेरे इधर हो गए हैं सूखने के बाद, अब मैं इसके ऊपर मार रहा हूँ मेरा दूसरा और आखिरी कोट। तो दो कोट मेरे इधर मार के हो गए हैं, अब मैं इसको सूखने को 15 मिनट दूंगा और इसके ऊपर लगाऊंगा क्लियर कोट। तो 15 मिनट मेरे इधर हो गए हैं, अब मैं इसके ऊपर क्लियर कोट मारने को चालू कर रहा हूँ। तो एक क्लियर कोट मारते ही आपका अच्छी शाइन आनी चाहिए, अच्छा ग्लॉस आना चाहिए, नहीं तो आपको आपका फ्लूइड फ्लो जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और इधर आपको यूज़ करना है हाई हीट क्लियर कोट, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. तो एक कोट मेरा इधर मार के हो गया है, उधर आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगा एक कोट ही मारने से कितना अच्छा अभी दिखने को लगा है वो। तो अभी इसको मैं 15 मिनट दूंगा सूखने को और बाद में इसके ऊपर दूसरा कोट मारूंगा। तो 15 मिनट मेरे इधर हो गए है, अब मैं इसके ऊपर दूसरा और आखिरी कोट मारूंगा। तो दूसरा और आखिरी कोट मेरा इधर मार के हो गए हैं, अब मैं इसको एक दिन दूंगा सूखने को और कल मैं इसको मेरे मोटरसाइकिल के ऊपर फिटिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है वो। तो इधर मैंने मेरा ब्रेक कैलिपर जो है वो बाइक के ऊपर फिटिंग कर दिया है, और इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा भी दिख रहा है वो, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप अपना ब्रेक कैलिपर ऐसे बना सकते हो ये वीडियो देख के। और अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर साइड में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके मेरे और वीडियो देखिए, खुद का स्प्रे पेंटिंग करने को चालू कीजिए। और अगर आपने मेरा 55 पेजेस बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप अपना नाम और ईमेल डालिए और उस ईमेल पे मैं वो बुक भेज दूंगा। और अपना ईमेल खोल के देखने को मत भूलिएगा, क्योंकि वो बुक आएगा आपके ईमेल के ऊपर। और अगर आप सीरियसली स्प्रे पेंटिंग सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्स में एनरोल होने को मत भूलिएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।